हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपू मॉम कॉम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो कि इडली, डोसा या फिर उत्तपम के साथ सर्व की जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल की चटनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ताज़ा नारियल और मैंने इसे पीसेस में काट लिया है। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर हरा धनिया, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है मैंने, और दो हरी मिर्च ली है, और एक कप मैंने लिया है दही। मैं इसमें दही यूज़ कर रही हूँ, पानी नहीं यूज़ करूँगी मैं चटनी को पीसने के लिए। तो फ्रेंड्स, तड़के के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च, दो पिंच मैंने ली हुई है हींग, एक चम्मच राई, एक चम्मच चना की दाल और एक चम्मच उड़द की दाल। इसे हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जार में, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नारियल। इसमें मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ चटनी पीसने के लिए, मैं यहाँ पे दही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एक नींबू का रस डाल सकते हैं और या फिर एक इमली का छोटा सा टुकड़ा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और आप इसे दही से नहीं पीसना चाहते तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक भी डाल दूंगी अब। मैं अदरक डाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। नमक डालने के बाद ये मैंने डाल दिया है दही। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, इसका हमें अच्छा पेस्ट बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चटनी पीस ली है। ये देखिए, ऐसे दिखेगी ये कुछ। तो इस चटनी को मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने अलग बर्तन में चटनी निकाल ली है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पैन को अच्छा गरम कर लूँगी, उसमें मैं लगभग 3 चम्मच डालूँगी तेल। और तेल अच्छा गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी राई। राई को अच्छा चटकने दें आप, उसके बाद इसमें हम दालें डाल देंगे, चने की और उड़द की दाल। और फिर डालेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हैं तो आप फ्रेश करी लीव्स ही यूज़ करें, मैं यहाँ पर सूखे पत्ते यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, ये मैंने डाल दी है हींग। अब इस तड़के को अच्छे से पकाएंगे हम, जब तक कि दालें अच्छी गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आना शुरू हो गई है। दालों को अच्छा चला चला के हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये देखिए, बढ़िया से तड़का तैयार हो रहा है हमारा। अब इस तड़के को हमें चटनी में डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इस चटनी को बनाएं एक बार घर पे, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। और इसे इडली, डोसा, वड़ा या सांभर किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।